जिंदे पाड़े दे लोक चंगा जीना, जिंदे पाड़े दे लोक ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोक चंगा जीना, जिंदे पाड़े दे लोक चंगा जीना, जिंदे पाड़े दे लोक ओ ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे पाड़े दे लोक चंगा। नमस्कार, मैं पावल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं द लोकल रिपोर्ट में आप सभी का। इस समय अगर बात की जाए डोगरी की, अगर बात की जाए जम्मू की, इस समय एक ही नाम सुनने को हमें मिलता है, रिंकू जी। इस समय मैं मानसर में आया हूँ। मानसर आप जानते ही हैं, मानसर लेक और सुनिंसर लेक एक काफ़ी पॉपुलर एरिया है टूरिस्ट के मामले में। हम जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो टूरिस्ट के मामले में काफ़ी एक पॉपुलर एरिया है। यहीं पे रहते हैं रिंकू जी। काफ़ी आपने सुना होगा इनका एक सॉन्ग जो रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है, जो इनका सॉन्ग है जिंदाबाद, जो डोगरी इनका रिसेंटली सॉन्ग है जिसको एक हफ्ता हुआ है आए हुए, और प्रमोट कर रहे हैं ये डोगरी को, और काफ़ी अच्छा जो इनका गला है काफ़ी अच्छा है। सरस्वती का अगर देखा जाए, सरस्वती बैठती है इनके गले में, जिस तरह का इनका गला है, जो जिस तरह का ये गाते हैं। तो हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो एक्सक्लूसिव बात करने के लिए साथ हैं रिंकू जी। हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा स्वागत है रिंकू जी। स्वागत है जी। रिंकू जी, थोड़ा सफ़र कितना शुरू हुआ या थोड़ा किस नए अपने सफर के बारे में? दिक्खो जी, में खासकर पंजी सत्तें साल दा हा, में इस लाइन च पिया। ते ओह्दे बाद में केह करदा कि अपनी जिहड़ियां कैसटां हियां, कैसटां लाई लाइयै ते मैं सुनदा रौह्ना ते फिर मैं गांदा रौह्ना जी, अपना मुहार के गांदा रौह्ना घर गै, क्योंकि कोई इसलै इन्नी फैसिलिटी नहीं ऐ ही ते जिहड़ी कि असीं अग्गें पजांदी। उस वेलै इ'यां गै मतलब गाना गूना ते इ'यां गै टाइम पास करना, काफ़ी वक्त मतलब इ'यां गै गुजारेआ असें। कोई समझ लैओ तुस 10 साल इ'यां गै कड्ढे औखे सौखे। ओह्दे बाद अस जिसलै में कोई 14 साल दा हा, जिसलै में मानसर आना स्टार्ट कीता ते उस वेलै में बाबा शीश नाग दा मंदर हा, उत्थुं दा में शुरुआत कीती। ओह्दे बाद मिगी जेह्ड़े अपने भ्रा जिन्ने बी हे साढ़े डिपार्टमेंट आह्ले हे, जेह्ड़े अपने दुकानदार जेह्ड़े बी ऐ हे, उ'नें मिगी सहयोग कीता, बड़ा शैल सहयोग कीता साढ़े कन्नै। तो उ'नें मिगी अपने कन्नै जोड़ी लिया, इत्थें पजाई दित्ता। जेल्लै इत्थें पजाई दित्ता ते मैं इत्थें इं'दा कम्म जेह्ड़ा करना स्टार्ट करी दित्ता। उत्थुआं मैं होंदा कम्म काफ़ी चिर मिगी टाइम लग्गेआ वैसे, क्योंकि उस वेलै इन्नी व्यवस्था भी नहीं ही, ते कुदै टीवी आह्ले आना जां रेडियो आह्ले आना ते उं'दे कन्नै कुदै मेल मलापा होई जाना, तां कुदै कुदै रिकार्डिंग देई ओड़नी उ'नेंगी, तो कुदै चलाई ओड़दे हे, कुदै भी मानसर दी जेह्ड़ी चलती आंदी ते ओह्दे चलाई ओड़दे हे। ओह्दे बाद भी होया कि जिसलै नैट चले ते इंटरनैट दे थ्रू अस जुड़े जिसलै, तां भी ओह्दे बाद अस केह् होया कि असें थोह्ड़ा जेहा लोक जानना शुरू करी दित्ता। इ'यां कैसे लोकें कन्नै इंटरनैट करदे रेह, और लोकें कन्नै मिलदे रेह, और बड़े दूरे दूरे जेह्ड़े लोक असें सद्दने ते उं'दे कन्नै असें इंटरनैट करना ते उं'दे कन्नै स्वागत करना, ते उ'नेंगी अपनी मिट्टी मिट्टी आवाज़ जेह्ड़े गीत सनांदे हे, ते ओह् लोक साढ़े कन्नै जुड़दे गे। इ'यां कुसै सनांदे गे, ते ओह्दे कन्नै में केह् होया, थोह्ड़ा जेहा पॉपुलर होया। फ्ही जिस बेल्लै JK चैनल आह्ले इक बारी सद्दे, उं'दे कन्नै इक इंटरव्यू कीता, इंटरव्यू करियै फिर ओह् इक फार्म लाया में जम्मू, जेह्ड़ा में इंडियन आइडल पर फार्म लाया में, ते ओह् फार्म भराया। ओह्दे बाद डेट पाई उन्हें मिगी जम्मू दी, जम्मू गया मैं, उत्थें मैं टेस्ट कराया, पर ओह् मैं रिजेक्ट करी बैठा। जिसलै रिजेक्ट कीता उन्हें, ते मैं मन च सोचिया, मैं आखिया कोई गल्ल नहीं, हार जीत बनी दी है, इस चीज़ की सोचना नहीं। मैं बड़ा खुश गया। ओह्दे बाद मैं दूरदर्शन केंद्र च गया, उत्थें मेरी आवाज़ टेस्ट कराई है, आवाज़ पास कराई। ओह्दे बाद मैं गाँदा रहा। हून इ'यां कुदरती होया कि जियां साढ़े एक मित्र भ्रा हे करण होर, जिन्हें भी मिगी लाकडाउन दे बाद इत्थें दिक्खेआ, लाकडाउन लग्गे दा हा समझो उसलै, भाइयें थोड़ी
व्यवस्था अमान फराने की बनी दी। उन्हें दिखा लगे आखन भी मैं थोड़ा गाना एक कराना। मैं आख्या भी तुसें काफ़ी लोग आखिए जंदे ठीक मैं करांदा कोई नहीं नहीं कराना साढ़ा जो स्टूडियो अपना मैं ठीक है गाना जो तुम लिखाई लो तो पर डोगरी गाना जो असें गाना क्योंकि जी सा मिठी भाषा है असं उ पॉपुलर करनी है ज्यादा। उन्हें की आख्या उन्हें स्टार्टिंग का आख्या जी थोड़ी मर्जी है वो तुम गाचै कि रिकॉर्ड करने कोई दूसरी लैंग्वेज दिखो ने खासकर मैं उन्हें इे आख्या कि मैं आख्या गाना ऐसा क्ढना जिड़िया माता भैन धियां भैन सारियाँ सुन लैन उंदे वास्ते एक गाना मैं बड़ा क्योंकि जिहड़ियां साड़ियां दिखो जी भैणां ने साड़ियां ते ओह भी एक कलाकार बनी दियां ने ओह काफ़ी मतलब साड़ियां भैणां गै समझो डोगरे अगर डोगरियां अगर हुण जियां सरसो होर न जां वर्षा होर न जां अपने रूही होर न सूरज सिंह दी बेटी है बिल्कुल अपनी भैणां गै समझ लो ते ये भी एक कलाकार बनी है अगर इन्हें भी मेहनत की है भी गा दियां ते चलो इंदे पिछे अस भी गाने तो ये भी चलो इंदा मतलब इंदे कन्नै कन्नै अस भी गाने ये भी गा दियां इंदे कन्नै कन्नै अस भी गाने अपनी मेहनत मन हर बंदा अपनी मेहनत च लगे दा तो अस ये आखना चाहते हैं कि चलो जियां एक गाना लिखिया धियां भैनां दा नां जिहड़ा उच्चा जिन्हें उच्चा ने बड़ा उच्चा नां कीता मां प्यो दा जिहड़ा नां रोशन कीता तो उंदे वास्तै गीत जिहड़ा असां लिखाया तां कि तां इस वास्तै कि भाषा की जिहड़ी प्रमोट करिए अगे लिआचै उसी डोगरी को डोगरी ताकि डोगरी जी अस अगे ले आचै ताकि जी साढ़े भैनें गी भी सहयोग मिले और साढ़े जेहड़े डोगरी भ्रा जेहड़े और भी कलाकार न उनें भी इस चीज़ का सहयोग मिले ताकि कट्ठे होइयै सहयोग करियै ते डोगरे अपने अपने गीत जेहड़े न वो लखान ते और रिकॉर्ड करान ते और गान असें की काफ़ी खुशी होंदी है। इस वास्ते असें गाना रिकॉर्ड कराया ते ओह्दे बाद असीं शूटिंग की और इसी गाया बड़े अच्छे तरीके कन्नै ते उन्हें भैनें भी साढ़ा साथ दिता ते उन्हें भी साढ़ा बड़ा सारा साथ दिता ते उन्हें भी मिलियै गाना जेहड़ा असें इसी अग्गे पहुंचाया ते हुन अस चाहने तुस जानने थोड़ा जेहका गाना आया दा जिंदाबाद डोगरी हां जी काफी वायरल होई चुके दा इस वेले यूट्यूब पर काफी वायरल होई चुके दा एक फेमस चेहरा बनी चुके दे तुस इस वेले दा डोगरे लेकिन तुसें पता है इस वेले किन्ने व्यूज न ओदे दिखो जी उस वेले मैं जिस वेले दोपहरी चेक कीता हा जी जी उस वेले 83 होई दे जी बिल्कुल 83 उस वेले होई दे तो मी लगता है इसलिए चार तक पुजी पे होने कनेही खुशी है कनेहा रिस्पांस बड़ा अच्छा लगया मी रिस्पांस दिखने से बड़ा अच्छा लगया मी खुशी होंदी है ते साडियां भैणां भी दिखो गांदियां ना उंदी उंदे गीत सुनिया भी बड़ी खुशी होंदी है ते अपना गीत सुनिया भी बड़ी खुशी होंदी है जां और जेहड़े लोक गीत जेहड़े डोगरी गीत होंदे ने उंदी सुनिया बड़ी खुशी होंदी है ते जेल्लै लोक असें प्रमोट करदे ने जां लोक साढ़े बारे च बोलदे ने तां उदे उदे भी ज्यादा खुशी होंदी है असीं सारी चीजें दी खुशी है तो ताकि वो जरा एक लोक गीत जरा सा भाख भूखें वगैरह जीडिया चली दी ये जो अपने गाँवते हैं तो इंदिया भी मतलब अच्छी भाखा इंदिया लगदियां तो बड़े अस गौर करने इन्हें सुनने ताकि जरा अपना अपना आदमी कोई भी अगर पुजे ना तो काफ़ी वो खुशी होंगी है। तो हूँ देखो लोग पहले मेरे को पहले सरसों का गाना रिलीज होया तो उनकी भी मी बड़ी भारी खुशी हुई कि उनका गाना रिलीज हो बाद मेरी वर्षा उनका गाना रिलीज होया तो उनकी भी काफ़ी खुशी हुई कि उनका गाना रिलीज होया उंदे बाद मेरा गाना जेहड़ा रिलीज होया ते सारे की खुशी हुई उन्हें भी खुशी हुई और असें भी उंदी खुशी हुई ताकि असें एक दूए की इन्नी खुशी की है कि अस समझने कि साढ़े आपू बिच अस भैन भ्रा बनियै रहचै ताकि साढ़ा सहयोग रवे ताकि साढ़े डोगरे का सहयोग रवे ताकि अस लोग अग्गे बधी जाचै। इस वास्ते अस ये आखना चाहने लोकें की कि बच्चे बच्चे मुहें पर यह गाना जेहड़ा चढ़ी दा अज्जकल बिल्कुल जिंदाबाद डोगरी ते हुण यह तुसें ध्यान यह रखना कि सारे बच्चें गी मिली मिलाइयै अपनी डोगरी भाषा गी भुल्लन नहीं देना। बड़ा मुश्कल कन्नै असें इसी बड़ी मेहनत करियै पर 20 साल होए मिगी इस मेहनत च कम्म च लग्गे दा ते 20 सालें बाद बड़ा मुश्कल कन्नै इसी अग्गें आंदा ते हून इ'यै लोकें अग्गें इ'यै रिक्वेस्ट है अस अग्गें भी जेह्ड़े डोगरी गीत गाने न और काफ़ी से जेह्ड़े गीत गाने न असें डोगरी गीत जेह्ड़े गाने न असें ते असें उं'दे आस्तै गै गाने सारे गीत ते इ'यै भी रिक्वेस्ट होंदी कि बच्चें गी अपनी पंछान जेह्ड़ी है ओह् चेता रखनी और बड़ी जरूरी है जी डोगरी है और डोगरी बोलदा कदें भी शर्म नहीं करनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि साड़ी एक मिठी भाषा मातृ भाषा जी साड़ी इसी की अग्गें लेइयै जाना क्योंकि अस घरा दा गै शुरुआत करगे तो अस अग्गें पुजगे जेकर अस घरा दा शुरुआत नहीं करगे तो अस अग्गें कि'यां बधगे क्योंकि इस दे कसूरवास अस आपूं हे क्योंकि डोगरी दे कसूरवास अस आपूं हे बाहर ते नहीं है
बाहर दे लोकी आस्तै सद्दनिया तां इत्थे कामयाबां नहीं होआ दे। इसी मुद्दे पर आऊं गल करगा रिंकू जी, रिसेंटली इत्थे जम्मू कश्मीर टूरिज्म दे द्वारा एक इवेंट कराया गया फुल जिहदा नाम फुलकारी हा, जेका फोक दे नाम पर हा, जेका इत्थे दा कल्चर हा ओह दस्सने आस्तै ओह कीता दा हा। लेकिन असें जेकी इनफॉर्मेशन आई, इनफॉर्मेशन च एह आया कि ओह्दे च बारे पंजाब दे सिंगरें सद्दे गेदा हा, केह आखना चाहगे तुस? देखो जी, एह दे बड़ा वैसे इन्या होना चाहिए कि साढ़े जम्मू च भी बड़े डोगरे हे जी, साढ़े मतलब असी भी ने मतलब एक किस्म का साथ दिते दा हा, पर ओदा कोई बंदोबस्त जेड़ा इन्हें नहीं कीता दा हा। उस वास्ता साढ़ा जेड़ा मन जेड़ा इंदे कन्ने नहीं लग्या जी, क्योंकि दूगा सोनाली दीदी साड़ियां उंदे कन्ने भी थोड़ा जिहा गलत होई गया और उंदा भी काफ़ी अफसोस होया मिगी। ते ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साढ़े डोगरे एक कल्चर है, साढ़ा कल्चर है, पर अस इस कल्चर की अगर बचाना चलाना असें बाहर दे लोकें नहीं सद्दना चाहिए, पंजाब दे कलाकार नहीं सद्दने चाहिए। नहीं, जम्मू कश्मीर टूरिज्म दा जेका मकसद हा उंदा आने दा मकसद यही हा, इस इवेंट कराने दा जेका फुलकारी हा फोक दे नाम पर, जेका बाहर दा टूरिस्ट होगा, टूरिस्ट इत्थे अट्रैक्ट होवे, टूरिस्ट जेका बाहर दा होगा वो इत्थे अट्रैक्ट होना चाहिए इत्थे दे कल्चर दे कन्ने। अगर आऊं कल्चर की गल करां कि वो डोगरी होई गया, भद्रवाही होई गया, या साढ़ा क्या आखदे सी चनाब वैली का जेका कल्चर है, मतलब जेका जम्मू कश्मीर का कल्चर है, लेकिन जम्मू कश्मीर का कल्चर छोड़िए असें बाहर का कल्चर दिखने लभ्या, जां पंजाबी सिंगर इत्थे असें लभे, ये चीज थोड़ा अफेक्ट करदी। हाँ जी, जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने केह आखना चाहगे तुस? देखो, अफेक्ट तो करदी है जी, वो थोड़ी गल सही है, मगर यह होंगे कि अगर तुम ठीक है, अगर मैं आखना कि बाहर था सदना तुम, अस मना भी नहीं करते, रोकते भी नहीं कुछ, अस की रोकना कुछ, क्योंकि डिपार्टमेंट सरकार पैसे ला दी असें कि असें की जरूरत है कुछ कुछ के खिलाफ बोली जाए। लेकिन रिंकू जी, अगर गल की जा जे सिंगर उन्हें बारह सदे दे हे, उन्हें इन्ना पैसा जेका दिता, अगर अपने लोकल की गल करचे, अगर अस अपने लोकल सिंगर जेके सदे हे, उन्हें अगर इन्ना प्रॉफिट दे उड़ते हे, वो अच्छा नहीं हा? बड़ा अच्छा हा। फिर के तुसें लगता के कमजोरियां रही? इंडिया कमजोरियां इयै रही कि साढ़े लोकें अगर नहीं बचाना चाहते, नहीं कामयाब बनाना चाहते, दबाना चाहते हैं, ताकि साढ़े डोगरे जेड़े कलाकार ने वो नहीं उठे जी। पर ऐसा नहीं होना, असी इयै सोच रखी दी कि डोगरा कल्चर कुसै चाली का कुसै चाली असें बच्चे बच्चे के मूहां पर चढ़ाना, पर अज चढ़ाई असें मतलब करूड़ेया, इन्ना हारा काम असें करूड़ेया, पर अफसोस इयै होंदा कि अगर दिखो जी, अगर बाहर के पंजाब तो कलाकार वो आई है, उसने गाया भी किश नहीं जी, इं गै मतलब उसने छड़ी फार्मेलिटी गै की, कुछ नहीं गाया उन्हें, मतलब अगर वो कोला मैं शैल गाई लिया जा अपने सोनाली दीदी और अगर उन्हें मौका देंदे उन्हें वो शैल गाई लेना, जा अपने और भी कलाकार सद्दे होंदे उन्हें शैल गाई लेना, मगर उसने गाया कुछ नहीं था, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं गाया, समझ लो इं मतलब फार्मेलिटी गै की, 8 लाख रुपये लेइए वो चली गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर साढ़े डोगरें की 1-1 लाख रुपया भी देते ना साढ़े सब बहुत, क्योंकि अगर वो 8 लाख रुपया दे साढ़े को 10 कलाकार होंगे तो 1 लाख रुपया वैसे ही देते, 10 का 10 लाख हो जाना सारे 10 कलाकार हो जी। मैं चाहगा, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़े कोला, हाँ जी, दो कोई बोल डोगरी दे तो जरूर सुनाए साढ़े जो व्यूअर्स ने उनके कोई दो बोल हो जाए। वो चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोक, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोक, ओह ठंडा पानी पींदे, ओह ठंडा पानी पींदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक, ओह ठंडा पानी पींदे, ओह ठंडा पानी पींदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक, इन्हें पहाड़ियें दा के खाना, के खाना, के खाना, हो इन्हें पहाड़ियें दा के खाना, के खाना, के खाना,
मक्के दा टोडू सरियां दा साग, मक्के दा टोडू सरियां दा साग, कन्ने खाना कसरोड़ चंगा जीना जिंदे पहाड़े दे लोक, चंगा जीना जिंदे पहाड़े दे लोक। ओह ठंडा पानी पींदे, ओह ठंडा पानी पींदे पहाड़े दे लोक, चंगा जीना जिंदे पहाड़े दे लोक, चंगा जीना जिंदे पहाड़े दे लोक। बड़ा सोह्ना गाने तुस जा दे, इस बेल्लै तुस शान बने दे साढ़े जम्मू प्रोविंस दे, साढ़े डोगरा च शाही दे तुस। मेरे चैनल दी तरफा भी तुसें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहना थुआढ़े गाने आस्तै, जेका थुआढ़ा अग्गें भी जेह्की थुआढ़ी नमीं नमीं वीडियोज होन, गैस्ट होन, उंदे आस्तै भी अस तुसें मुबारक दिन्ने आं, आलरेडी मुबारक दिन्ने आं। कि जब तक रिंकू जी थुआढ़े जे बंदे इत्थै होगे, हाँ जी, तब तक डोगरी रोगी, हाँ डोगरी का अच्छा कम होगा। हाँ जी ठीक है, तुस के मैसेज देना चाहते मेरे चैनल के माध्यम जिके लोग दिखा दे, के मैसेज देना चाहते हो? देखो जी, असं आखना चाहते हैं कि खासकर तुस अपनी भाषा पर ज़्यादा ध्यान दियो, और बच्चे पर यह गाना जो मूँह पर चढ़े दा, और ये इयै रिक्वेस्ट है कि सब तां बच्चे के मूँह पर चाढ़े दा कि अपनी डोगरी जी बच्चे की चेता रहा, ताकि जी भाषा साड़ी नहीं भुली सके, ताकि अस इस भाषा बनने गै अग्गे कामयाब होई जाचे। तो इयै अस लोकें गी आखना चाहते हैं कि बाकी दे तुस घट करो, लेकिन इस डोगरी जी साड़ी अपनी भाषा है, और एह्दे पर ज़्यादा ध्यान दिओ, ताकि ये भाषा जी बड़ा मुश्किल कन्नै, तुसें पता काफ़ी टाइम लगी असी प्रमोट करदे, और असें भी काफ़ी मेहनत की है, अज्जे दे मेहनत नहीं करा ने, कोई 20-20 साल होई असें इत्थै मतलब कम करदे, ओह् की जिहड़ियां साढ़ियां और भी जी कलाकार बनाए सारियां, उन्हें भी काफ़ी मेहनत की, और उन्हें भी काफ़ी डोगरी गीत जो गाए न, और काफ़ी लोगों सुनाए न। तो अस इयै आखने कि सारे डोगरें का एक सुजोग बनी है, तो साढ़े बच्चे का पर गाना जो चढ़े दा, उंदे बारे च अस इयै आखना चाहते हैं कि वो बच्चे की चेता रखन, ताकि बच्चे जेडे डोगरी नहीं भुल्लन, ताकि माँ प्यो ने भी जी बच्चे की लाइन च लाना, उस तरीके लाना, अपनी भाषा का माप नहीं भुलना चाहिए। एह्दे बारे च मैं ये लोगों की इयै रिक्वेस्ट है साढ़े अगर, और साढ़ा का कोई सवाल नहीं है, और साढ़ा कोई मुद्दा नहीं है, और साढ़ा कोई किश नहीं है, सिर्फ साढ़ा इयै मुद्दा कि अपनी भाषा की खत्म नहीं करना, अपनी भाषा की सांभियै रखना असें, ताकि अस घरा दा गै अगर शुरुआत करगे तो साड़ी अग्गें कामयाबी होनी है। इस वास्तै साड़ियां जिन्नियां मैं मावां भैणां जिहड़ियां सुना दियां न, जां जिहड़ियां अपने गांदे न, उंदे अंदर इयै अग्गें रखिया कि सारें दा इक सहयोग होना चाहिए डोगरे दा, और डोगरी जिहड़े गीत न, मिठ्ठी मिठ्ठी जिहड़े गांदे न, उंदे गीत सुनो, और डोगरी दे जिहड़े बोल न ओह मूहां दा बोलो, तां कि लोकें गी पता लग्गे कि डोगरी साड़ी कोई भाषा केह् है, तां गै अपने च कामयाबियां होंदियां न। बाकी भाषा सुनियां थोड़ी कामयाबी घट्ट होनी, अपनी भाषा सुनियां थोड़ी कामयाबी ज़्यादा होनी, इस वास्तै तां कि लोग अपना कल्चर नहीं छोड़दे न, अली बाल दियां कंट्रियां भी अपना कल्चर नहीं छोड़दियां, पंजाबी भी अपना कल्चर नहीं छोड़दे, पर साढ़े डोगरें दी भी इयै रिकॉर्ड होनी चाहिए कि अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, अपना रवाज रीति सब कुछ अपना सादा रखना, और अपना डोगरा ड्रैस और डोगरा खाना और अपना डोगरा का लिबास रखना, एह्दे बारे च एह् साढ़ा मता मता लोकें गी धन्नवाद। बहुत धन्नवाद थुआढ़ा रिंकू जी, साढ़े कन्नै गल्ल करने आस्तै बहुत बहुत धन्नवाद। तो ये थे हमारे रिंकू जी, जो इस समय काफ़ी फेमस बन चुके हैं, फेमस चेहरा हैं। अगर मैं बात करूँगा जम्मू की, अगर मैं बात करूँगा मानसर की, अगर मैं बात करूँ इस टाइम जितना भी डोगरा राज है वहाँ पर अभी राज कर रहे हैं रिंकू जी। और अगर देखा जाए तो रिंकू जी काफ़ी, उन्होंने जैसे बताया कि ये 7 साल की उम्र से इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें क्लेरिफाई की, जैसे फुलकारी इवेंट की हमने इन्होंने बात की कि 8 लाख रुपया जो इन्होंने बाहर दिया, 8 लाख रुपया जो बाहर के यहाँ पे फुलकारी इवेंट्स में जो बुलाए गए थे यहाँ पे गाने के लिए जो सिंगर्स थे उनको 8 लाख रुपया दिया गया, लेकिन अगर बात की जाए जो यहाँ के लोकल थे, अगर उनको थोड़ा सा ही पैसा दिया गया होता क्या वो अच्छा नहीं था? काफ़ी अच्छा बोला रिंकू जी ने, इनकी आवाज़ भी काफ़ी सुरीली है। और अगर मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहीं पे बैठते हैं हमेशा, आप जब भी आएंगे तो आपको मानसर में ये यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे बैठते हैं। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिंकू जी को बढ़ावा दें और इनका साथ दें, इनके आगे बढ़ने में इनको एक कदम आप भी इनका साथ ज़रूर दें। और साथ में जो इन्होंने एक बात की कल्चर की कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो अपना कल्चर नहीं छोड़ती, हम क्यों अपना कल्चर, अगर पंजाबीज़ की बात की जाए तो पंजाबीज़ अपना कल्चर नहीं छोड़ते, हम क्यों अपना कल्चर छोड़ें। अगर डोगरी की बात की, ये सिर्फ डोगरी की बात नहीं हर जगह की बात है, अगर मैं चिनाब वैली की भी बात करूँ, चिनाब वैली की बात है, भद्रवाही की बात है, सराजी की बात है, ये हर जो अपना कल्चर है, कल्चर को कभी ना छोड़े, अपने कल्चर को मरने ना दें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और रिंकू जी ने भी यही चीज़ें कही। और इसी के साथ मैं न्यू अपडेट के साथ आपको फिर मिलूंगा, नई खबर के साथ फिर कहीं हम मिलेंगे। मैं पारुल दुबे, द लोकल रिपोर्ट।